महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरे तेंदुए के एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने यह बताया है कि तेंदुए का बच्चा रात में शिकार की तलाश में कुएं में गिर गया था, जिसका पता चलते ही उसे बचाने के लिए फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सबसे पहले वन विभाग के अधिकारियों ने रस्सी से बांधकर कुएं में एक चारपाई उतारी, जिस पर तेंदुए का बच्चा बैठ गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने कुएं में एक पिंजरा उतारा, लेकिन चारपाई और पिंजरे के बीच की दूरी ज्यादा होने की वजह से तेंदुए का बच्चा उसमें नहीं गया। इसके बाद चारपाई को नजदीक ले जाया गया और जैसे ही चारपाई पिंजरे के पास पहुंची, उस पर बैठा तेंदुए का बच्चा बड़े आराम से पिंजरे में दाखिल हो गया। खटिया पानी में डाल के उसको बैठने के लिए जगह उपलब्ध कर दी। पूरे तैयारी के साथ उस बिपट को केज पानी के अंदर छोड़ के उससे बाहर निकाला। पिंजरे के अंदर पहुंचते ही तेंदुए के बच्चे को तुरंत कुएं से बाहर निकाल लिया गया और फिर वन विभाग की टीम उसे गाड़ी में डालकर वहां से ले गई। सौ बात की एक बात यह कि रात में शिकार करने के चक्कर में तेंदुए का बच्चा कुएं में गिर गया था। सुबह होने पर आसपास के लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और फिर जांच के बाद उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया।